Good morning, students. You are welcome in the third science class. Today, we will continue our topic, food habit, in which we today discuss about flash eating and plant and flash eating animals. तो बच्चों आज हम chapter 3 के topic जो हमारा कल का बचा हुआ है food habit के बारे में. Food habit के base पर हमने animals को 3 categories में बांटा हुआ था, जिसमें से हमने 1 category कल डिस्कस की थी, कल उसके बारे में समझा था, जो थी प्लांट ईटिंग एनिमल्स के बारे में. आज हम पढ़ेंगे फ्लैश ईटिंग और जो प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के बारे में, मतलब उन जानवरों के बारे में जो केवल मांस खाते हैं, या वो जो प्लांट और फ्लैश पौधे और मांस दोनों को खाते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स की. तो सबसे पहले एक क्वेश्चन सामने आता है कि भाई व्हाट इज फ्लैश ईटिंग एनिमल, या व्हाट आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. तो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स क्या होते हैं, मांस खाने वाले जानवर क्या होते हैं? तो सीधी सी बात है, देखो फ्लैश खाने वाले या मांस खाने वाले जानवर को हम फ्लैश ईटिंग एनिमल कहेंगे. इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ा सा चेंज हमने कर दिया है इसको. फ्लैश मांस को ही कहते हैं. इसका दूसरा नाम हम आगे पढ़ेंगे कार्निवोर्स के रूप में. इस लेवल पर हम केवल फ्लैश ईटिंग एनिमल कहेंगे इनको. तो चलिए डेफिनेशन एक बार देखते हैं. अगर कोई पूछता है आपसे कि व्हाट आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, तो आप क्या बताएंगे? एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. एनिमल्स दैट ईट, एनिमल्स जो खाते हैं, द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों का मांस जो खाते हैं, उन जानवरों को हम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कहते हैं. अब देखिए उनके फूड को कैच करने का या उनको प्राप्त करने का क्या तरीका है. दे कैच देयर प्रे, वे अपने शिकार को पकड़ते हैं. प्रे का मतलब होता है शिकार. वे अपने शिकार को पकड़ते हैं और ईट डेड एनिमल्स, मतलब या तो शिकार को पकड़ कर खाते हैं या फिर ईट डेड एनिमल्स, जो मरे हुए जानवर होते हैं उनको वो खाते हैं. तो दोनों ही जो जानवर हैं, चाहे वो मरे हुए खाए चाहे पकड़ कर खाए जिंदा को, दोनों ही किस में आएंगे, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स में ही आएंगे. ठीक है, तो चलिए अब इसमें बात करते हैं इनके दांतों की. जितने भी मांस खाने वाले जानवर हैं उनके आपको दांत देखे होंगे, शेर के, चीते के, बिल्ली के, इन सब के दांत कैसे होते हैं? तो इसमें आगे बताया हुआ है, फ्लैश ईटिंग एनिमल हैव लॉन्ग पॉइंटेड टीथ. लॉन्ग और पॉइंटेड टीथ होते हैं. पॉइंटेड का मतलब होता है नुकीला, जैसे चाकू की तरह आगे नोक होती है, वैसी नोक इसमें होती है. और इन दांतों का काम क्या होता है, टीथ टू कट द फ्लैश, फ्लैश को चीरने फाड़ने के लिए या काटने के लिए होता है ये. आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ. यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो एक दांत इधर से दिखाई दे रहा है, एक ये नीचे है, ये दो दांत जो नुकीले दांत दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लॉन्ग पॉइंटेड टीथ जो हम बात कर रहे हैं, जिनका काम है मांस को चीरना और फाड़ना या कट करना. इतने बड़े दांत उसके होने चाहिए तभी वो चीर फाड़ सकता है मांस को. लॉयन के अंदर ये दांत कैसे होते हैं, आइए देखें. ये देखिए, ये लॉयन के टीथ हैं जो आप देख रहे हैं. ये जो बड़े साइज का, दो ऊपर होते हैं और दो ऐसे नीचे होते हैं, इनसे मांस को चीरने फाड़ने का काम करता है. ठीक है, बाकी हम पीछे की दांत भी यहाँ देख रहे हैं. ये जो पीछे के दांत हैं, ये इनका काम होता है, जो जानवर दूसरे जानवर खाता है तो उसके मांस को चबाने के लिए, या जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं उनको चबाने के लिए इन दांतों का इस्तेमाल करता है. ये मेनली इनका काम होता है पीसने का. जैसे हमारे दांतों का भी काम होता है, पीछे वाले दांत होते हैं वो हम जो खाना खाते हैं उसको पीसने का काम करता है. ठीक है,
तो ये ग्राइंडिंग टीथ कहलाते हैं। ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना। चलिए वापस चलते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे ग्राइंडिंग टीथ की, तो यहाँ पर आगे बताया गया इसके बारे में, स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू चीव द बोन्स एंड फ्लैश। बोन्स और फ्लैश को चीव करने के लिए, चीव मीन्स चबाने के लिए, ये स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, पीसने वाले दांत होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ देख सकते हैं। एग्जाम्पल में एक तो आपका हो गया लायन, वुल्फ, टाइगर, फॉक्स, जैकल, फ्रॉग, स्नेक। ये कुछ एक जानवर है जो मांस खाने वाले जानवरों के एग्जाम्पल हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। ये तो हो गए एनिमल्स। अब आपने देखा होगा कुछ बर्ड्स भी मांस खाते हैं, बर्ड्स लाइक वल्चर, काइट एंड ईगल। ये इस तरह के जो जानवर हैं, ये वल्चर है, ये भी मांस खाते हैं, आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लैश ईटिंग बर्ड्स कौन से हैं या फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कौन से हैं, तो आप इनको अलग अलग बता सकते हैं, ठीक है। अब इन्हीं मांस खाने वाले जानवरों में जो दो नाम है यहाँ पर, एक तो है जैकल और वल्चर। ये दो जो एनिमल हैं, ये ऐसे जानवर हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं। जैकल एंड वल्चर ही डेड एनिमल्स, ये मरे हुए जानवर खाते हैं। जो जानवर मर जाता है तो उसको खाने के लिए अक्सर आपने देखा होगा कि गिद्ध जो है वो उसके ऊपर मंडराने लगते हैं, घूमने लगते हैं, और उसको केवल हड्डियों का ढांचा छोड़ देते हैं, सारा मांस खा जाते हैं। इस तरीके से वो क्या करते हैं, एंड कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। और उसकी वजह से जो मांस पड़ा हुआ था, उसकी वजह से सड़न पैदा होने वाली थी, बुरी बदबू वहाँ पर फैलने वाली थी, उस बुरी बदबू को उन्होंने फैलने से रोक दिया, उस मांस को पहले से ही खा करके। तो इस तरह से वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं। ये थे हमारे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। अब आते हैं प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। तो प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स में हम स्वयं भी आते हैं, मैन, बियर इसके अंदर आते हैं, और क्रो। इसके अलावा और भी बहुत सारे जानवर हैं, जैसे कैट है, ठीक है, फॉक्स है, ये भी इसी में आती है। तो हम किन जानवरों को प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कहेंगे, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको हम ओमनीवोर्स भी कह सकते हैं। ओमनीवोर्स वो जानवर होते हैं जो प्लांट और फ्लैश दोनों को ही खाते हैं। तो यहाँ तक आप इतना ही समझेंगे कि जो प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल के रूप में ही, इससे आपको याद रहेगा कि वो क्या खाते हैं। जैसे नाम से ना, प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग, तो प्लांट और फ्लैश दोनों खाते हैं। तो फ्लैश किससे मिलता है, एनिमल से। तो प्लांट से मिलने वाले कोई भी आइटम हो सकता है जिसको खा सकें, कोई फ्रूट हो सकता है, कोई लीफ हो सकती है, कि कोई रूट पार्ट हो सकता है। जैसे हम डिफरेंट पार्ट्स खाते हैं प्लांट्स के, वैसे ही। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, देखिए, एनिमल्स दैट ईट बोथ, बोथ मीन्स दोनों, जो एनिमल्स दोनों खाते हैं, प्लांट्स को भी एंड अदर एनिमल्स दूसरे जानवरों को खाते हैं, आर कॉल्ड प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। इसमें कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए, मैन, बियर, क्रो। इसके अलावा मैंने दो नामों को और बताए, एक कैट और दूसरा वुल्फ। ये भी कुछ और एग्जाम्पल हैं इसके, आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच एनिमल्स। सच मीन्स इस प्रकार के जो एनिमल्स हैं, किस प्रकार के, प्लांट और फ्लैश दोनों को खाने वाले, ठीक है। तो इसके बाद हम, इसके पीछे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनको आप लर्न करेंगे, मैं इनके आंसर सबको समझा देता हूँ। मेनली वही बातें हैं, उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमने इस टॉपिक में पढ़ा है। तो चलिए उसको और रिवाइज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस में, व्हाट आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स क्या होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। और उसके साथ साथ ही आपको गिव सम एग्जांपल्स, गिव कुछ एग्जांपल देने के लिए भी कह सकता है, गिव
सम एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन इसकी, एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ये आप अच्छे से याद रखेंगे, एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट, हाउ डू दीज एनिमल्स गेट देयर फूड, ये जानवर अपना खाना कैसे प्राप्त करते हैं। ये दीज यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये दीज किसके लिए लिखा हुआ है, ये दीज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के लिए लिखा हुआ है। यहाँ से आप समझ लेंगे ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के लिए ही बोला गया है कि वो अपना खाना किस प्रकार प्राप्त करते हैं। यहाँ पर लिख सकते थे कि हाउ डू फ्लैश ईटिंग एनिमल्स गेट देयर फूड, तो इसमें आंसर लिखेंगे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, या दे कह सकते हो, दे कैच देयर प्रे, अपने शिकार को पकड़ते हैं, या और ईट डेड एनिमल्स, या फिर वो मरे हुए को खाते हैं। ये आपको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, कैच देयर प्रे मीन्स शिकार को पकड़ते हैं, ईट डेड एनिमल्स मरे हुए को खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ टीथ डीज एनिमल्स है, यहाँ पर फिर डीज आ गया है, इस डीज का मतलब भी वही है हमारा फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। तो किस तरह के दांत होते हैं, इन दांतों के बारे में इनके पूछा गया है कि इन जानवरों के दांत किस प्रकार के होते हैं। चलिए इनके टीथ के बारे में डिस्कस करते हैं। दे हैव लॉन्ग पॉइंटेड टीथ, उनके दांत कैसे होते हैं, तो हम लिख सकते हैं उनके दांत लॉन्ग और पॉइंटेड टीथ होते हैं, टू कट द फ्लैश, मांस को काटने के लिए, एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू द बोन्स एंड फ्लैश, बोन्स और फ्लैश को च्यू करने के लिए इनके जो दांत होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ, मजबूत पीसने वाले दांत ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, प्लांट और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स क्या होते हैं दोनों के बारे में, और इसके कुछ एग्जांपल भी आपको देने हैं, ठीक है। एग्जांपल तो आपको हर एक के याद रखने हैं, चाहे वो प्लांट ईटिंग एनिमल हो, या प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल हो, या फिर खाली फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हो, क्योंकि एग्जांपल जितने आपको याद रहेंगे उतने ही आपको आइडेंटिफाई करने में फायदा होगा, कहीं पर आपको पता करना पड़ सकता है कि ये फ्लैश ईटिंग है या प्लांट ईटिंग है, या फिर प्लांट एंड फ्लैश दोनों ही हैं, दोनों को ही खाता है। तो इसमें डेफिनेशन में देखिए, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, या फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स कह सकते हैं, दूसरे जानवरों का मांस खाता है या पौधों को खाता है, आर कॉल्ड प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। इसके एग्जाम्पल हमें और देने चाहिए थे, यहाँ पर आप बता सकते हैं इसके एग्जांपल क्या होंगे, तो ये आप खुद इसका एग्जांपल यहाँ पर लिखेंगे, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, आपको इसको ओरली देंगे, इसमें क्या आंसर आ सकता है, तो फॉर एग्जांपल क्या देंगे वो आप इसमें याद करेंगे। हाउ डू जैकल एंड वल्चर कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, जैकल और वल्चर जो हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे करते हैं, वो साफ कैसे करते हैं, या कीप की मीन्स रखना, तो कैसे रखते हैं वो साफ। जैकल एंड वल्चर ईट डेड एनिमल्स, मरे जानवरों को खाते हैं, एंड कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, मरे हुए जानवरों को खा करके वो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, ठीक है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें, नेम सम फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, कुछ ऐसे बर्ड्स के नाम बताओ जो फ्लैश ईटिंग करते हैं या मांस खाते हैं, तो इसमें वल्चर, काइट एंड ईगल, ये 3 नेम्स आप याद रखेंगे। ओके, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, इसकी वीडियो आप पॉज करके देखें नहीं। ओके, बाय बच्चों।